तो क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का और मार्किंग स्कीम होती है कुछ ऐसी। तो चलो अब बात करते हैं स्टोरी राइटिंग के फॉर्मेट की। ये सबसे सिंपल होता है, तुम्हें बस एक टाइटल लिखना होता है और फिर एक कहानी, बस इतना सा ही है। हाँ, बस एक बात याद रखना कि स्टोरी 200 से 250 वर्ड्स के बीच में हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन में तुम्हें स्टोरी की शुरू की 4-5 लाइनें दी जाती हैं, जिससे तुम्हें आइडिया सा लग जाए कि स्टोरी किससे रिलेटेड लिखनी है। तो यार, सुनने में तो ये बहुत ही इजी लग रहा है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि ज्यादातर मार्क्स कहां कटते हैं। तो पहली चीज हो जाती है स्पेलिंग और तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर्स, और दूसरा जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम वहां जो कटिंग करके दिखाते हो, ऐसा लगता है जैसे महाभारत का युद्ध वहीं पे हुआ था। तो भाई, कटिंग भी एक तरीके से की जाती है। अगर मान लो तुमसे कोई गलती हो जाए तो बस उस गलती वाली जगह को एक लाइन से स्ट्राइक कर दिया करो, वहां पर घुचड़ पुचड़ मत मचाया करो। और मैं तो ये कहूंगा कि ट्राई करो कुछ भी कट ना करना पड़े, कीप इट नाइस एंड क्लीन। तो दोस्तों, अगर तुम बस इन दो चीजों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे 5 मार्क्स तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो अब आते हैं टाइटल पर। दोस्तों, टाइटल शॉर्ट एंड स्वीट सा होना चाहिए, मतलब 3 या 4 वर्ड्स का मैक्सिमम और कहानी से रिलेटेड, बस इतना सा कर दो और तुम्हें एक नंबर और मिल जाएगा। तो भाई, अब मेन बात पर आ जाते हैं कि कहानी कैसी होनी चाहिए। तो भाई, पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि अपनी कहानियों में जॉम्बीज, वैम्पायर्स, टाइम ट्रेवल, स्पेसशिप और सुपर हीरोज को मत घुसाना। और अगर कोई फिलहाल रिलेशनशिप में है तो कोई रोमांटिक स्टोरी मत लिखना। तुम में से बहुत सारे लोग यही करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा होता है कि दो दोस्त ट्रैकिंग के लिए पहाड़ पर जा रहे थे और तभी एक इंसान जिसका लेटर बॉक्स खुला हुआ था उनके पास चिल्लाता हुआ आता है, Somebody help, somebody help। और फिर तुम लोग कहानी को ऐसे आगे बढ़ाते हो कि पहाड़ों पे ज़ॉम्बीज़ का राज है, जो इंसान मदद मांगने के लिए आया था उसकी गर्लफ्रेंड को एक वैम्पायर ने काट लिया था, तभी वो मदद मांगने आ रहा था। और फिर वो दो दोस्त सुपर हीरोज बनकर दुनिया को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर चेक करेगा उसे ज़ॉम्बीज़ वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता और शायद वो तुम्हें पागल समझे। तो एक सिंपल सी स्टोरी लिखनी है, ना कि किसी मूवी की स्क्रिप्ट। तो अच्छी स्टोरी उसे कहते हैं जिसमें तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम हो और स्टोरी का मेन कैरेक्टर उसे सॉल्व करे और एंड में एक ट्विस्ट आ जाए, पर फिर भी कैरेक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जैसे सेम क्वेश्चन ले लो, वो इंसान तुम्हारे पास आता है हेल्प के लिए, डैश डैश डैश, आगे कहानी तुम्हें खुद लिखनी है। तो स्टोरी में अब हम एक प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, जैसे कि वो आकर कहता है उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मान लो उन दोनों का नाम है राम और श्याम, क्योंकि राम और श्याम बहुत ज्यादा समझदार थे, इसीलिए वो अपनी ट्रिप पे आने से पहले अपने साथ फर्स्ट एड का मटेरियल लेके आए थे। तो वो दो दोस्त उधर जाकर उसे फर्स्ट एड देते हैं, फिर वो एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और एम्बुलेंस को कहते हैं कि पहाड़ के नीचे मिले। और फिर राम और श्याम उस लड़की को सहारा देते हुए उसे पहाड़ के नीचे ले जाते हैं। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट, एम्बुलेंस पहाड़ के नीचे नहीं आ पाई क्योंकि वो जाम में फंसी हुई थी। तो अब राम और श्याम उसे ऑटो वगैरह में बिठा के पास के क्लिनिक में ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, और फिर वो ठीक
ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझाया, इस कहानी में डिटेल्स तुम खुद भर लेना। देखा, स्टोरी राइटिंग बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो आराम से 10 में से 10 आएंगे। तो मॉरल यही है, अपनी स्टोरी के एंड में कभी मॉरल मत लिखना। कुछ लोग अपनी स्टोरी के एंड में मॉरल भी डाल के आ जाते हैं, तो दोस्तों मॉरल नहीं डालना होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का भी होता है दी एंड।